हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रशांत क्रिएशन। तो गाइज, इस वीडियो में आज हम आपको इस वाले डार्क टोन की फ़ोटो एडिटिंग करके बताने वाले हैं। अगर आपके पास कोई ग्रीनरी फोटो है, मतलब नेचर में क्लिक हुई पोस्ट है, तो आप इसको इस टाइप से डार्क टोन किस तरीके से दे पाएंगे अपनी पोस्ट में, ये आपको इस वीडियो में पूरा जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सैंपल की इमेज में सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये है सैंपल की इमेज जिसमें आज हम डार्क टोन आपको देने वाले हैं, ठीक है। दिखाएंगे करके कि किस टाइप से आप अपने पोस्ट में डार्क टोन दे पाएंगे। सबसे पहले अपने फोटोशॉप ओपन करते हैं हम, एंड जो हमारी इमेज है उसको हम ओपन करके लेके आएंगे, ठीक है। ये वाली इमेज हमारी ओपन करके ले आए हम इसमें अपने क्या फोटोशॉप में। तो गाइज देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कलर सेक्शन में चले जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये वाला पे कलर सेक्शन में, तो सैचुरेशन पे जाएंगे एंड सबसे पहले जितने भी कलर है ना, सबकी सैचुरेशन को हम डाउन करते जाएंगे, ठीक है। ये ब्लू वगैरह जितने कलर हैं, सबकी सैचुरेशन को डाउन करते जाएंगे। येलो की भी सैचुरेशन को डाउन कर लेंगे, ठीक है। एंड ऑरेंज कलर की सैचुरेशन को आप लोग डाउन करेंगे, ठीक है। इतनी करने के बाद गाइज, मैं आपको अभी एक चीज़ बताऊंगा कि ये साइड से आप लोग किस तरीके से डार्क कर पाएंगे इस एरिया को। तो देखिए, उसके लिए जाएंगे आप यहाँ से टारगेट एडजस्टमेंट टूल वाले पे, ठीक है। जैसे ये वाला है आपका एडजस्टमेंट ब्रश, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप पता है क्या करोगे, यहाँ पे सैचुरेशन को कम कर देना आप लोग। देखिए, सैचुरेशन को कम कर देना, एंड यहाँ पे भी एक बार ऐसा कर लेना। जैसे यहाँ जा भी ये ऐसे ये वाला कलर हुआ ना, देखो ये अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। एंड आपको इस टाइप से डार्क टोन दे देनी होगी अपनी पोस्ट में। इसका आप साइज भी कर सकते हैं छोटा। तो देखिए, मैंने इस टाइप से दे दी, ये देखिए चारों तरफ इसने डार्क कर दिया ये वाली। अब डार्क गाइस उस पोस्ट की तरह ये डार्क नहीं हुआ, मतलब कम डार्क हुआ है। तो देखिए, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे एंड जो ऑरेंज कलर की इसकी देखो लुमिनस को थोड़ा डार्क कर लेंगे। एंड इन सब की जो डार्क टोन लुमिनस है उसको थोड़ा डार्क नेगेटिव टोन में लेके आएंगे। ग्रीन कलर को थोड़ा नेगेटिव टोन में लेके आएंगे इतना, एंड इन सबको देखो नेगेटिव टोन में लेके आएंगे ऐसे। इतना लेने का देखिए गाइस, वो वाली डार्क टोन आती जा रही है धीरे धीरे पोस्ट में। एंड आपका फेस है तो गाइस उसको आप अलग से एडिट कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे कलर एडिट कर रहे हैं अपने बैकग्राउंड के, ठीक है। तो एंड अब आएंगे हम यू वाले ऑप्शन पे, एंड जो येलो कलर का यू है ना, इसको थोड़ा बैक की साइड दे देंगे नेगेटिव में, मतलब 68 के करीब, ठीक है। इतना देने के बाद यहाँ से जाएंगे एपेक्स वाले कॉलम में, इसका जो वीगनेट है ना, इसको बढ़ा के मिड पॉइंट को भी ऐड कर देंगे इतना। इतना करने के बाद अब हम इसमें जाएंगे यहाँ से ग्रेडियंट टूल पे, एंड नीचे से यहाँ पे ग्रेडियंट भी दे देंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसमें इतना ग्रेडियंट भी दे दिया, इतना ग्रेडियंट देने का थोड़े से इसका एक्सपोजर आप कम कर सकते हैं। एंड आप चारों तरफ से जैसे यहाँ से भी ग्रेडियंट ऐसे दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ना, आप ऐसे ग्रेडियंट दे सकते हैं, ठीक है। एंड अब जाएंगे यहाँ पे, आ गए, एंड हमारा काम हो गया कैमरा रॉ का, मतलब डार्क टोन हमारी आ गई। अगर आप इसको और डार्क करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये आपकी पोस्ट ऐसे बन के आ गई। अब यहाँ पे इमेज पे जाएंगे एंड ऑटो टून करके देखेंगे कि किस टाइप से कलर आ रहे हैं। देखिए, इमेज में काफ़ी अच्छे कलर पॉपअप होने लगे एंड काफ़ी मस्त लग रही है इमेज आपकी देखने में। एंड यहाँ से जाएंगे इमेज के वाले ऑप्शन में, एडजस्ट वाले ऑप्शन में, एंड गाइस अब जाएंगे आप यहाँ से लेवल में, ठीक है। लेवल में जाने के बाद यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा कम कर देना, देखिए इस साइड, एंड इसको थोड़ा सा इस टोन में लेके आना है, एंड इसको और इस साइड लेके आना। देखिए ऐसा था, इमेज और डार्क हो गई आपकी। इमेज वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से मैच कलर के ऑप्शन में जाके थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना, इससे आप कलर भी पॉपअप होंगे एंड ब्राइटनेस भी निकल के आएगी। एंड ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद गाइज, अब इस इमेज को हम सेव कर देते हैं एंड उस इमेज से मैच करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से हमारी कलर टोन निकल के आई है, ठीक है। इसका नाम चेंज कर देते हैं, जस्ट हम डार्क टोन इमेज रख देते हैं इसका नाम, एंड डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं इस इमेज को। ओके करके ये हमारी इमेज सेव हो गई, ठीक है। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले तो ये बिफोर आफ्टर इमेज दिखा देता हूँ। ऐसी इमेज थी एंड डार्क टोन के बाद देखिए गाइज, बिफोर इमेज ऐसी थी एंड अब इमेज आपकी इस टाइप से बन के आ गई। कितनी कूल लग रही है आपकी इमेज देखने में, आप लोगों को खुद पता चल गया होगा, ठीक है। एंड जो इन दोनों इमेजों से कंपेयर करते हैं, जैसे जो प्रणव ने एडिट किया था ये वाला पोस्ट, देखिए काफ़ी ज़्यादा गाइस सिमिलर कलर निकल के आ गए, बट हमारे में बस थोड़ा सा कंट्रास्ट अच्छा है, इसलिए हमारी इमेज और ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप लोग के खुद देख के बता सकते हैं कौन सी इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो गाइज, अगर आपकी भी कोई ग्रीनरी टाइप फोटो एडिटिंग है तो आप उसको कर सकते हैं इस टाइप से टोन देके। तो इसका प्रीसेट जो है वो भी आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप प्रीसेट को
फॉलो करके इस टाइप से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये एडिटिंग पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।